होटल और स्ट्रीट वालों की उसी खास ट्रिक से जबरदस्त क्रिस्पी करारे क्रंची ऐसे मजेदार वड़ा जिसके आगे फेल है समोसा कचौड़ी और पकौड़ा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल साउथ इंडियन होटल स्टाइल स्ट्रीट स्टाइल सुपर क्रिस्पी क्रंची मसाला वड़ा की बहुत ही स्पेशल रेसिपी। साथ ही आपको बताऊंगी स्ट्रीट वालों की और होटल वालों की वो खास ट्रिक जिससे आपके मसाला वड़ा यानी कि चना दाल वड़ा इतने क्रिस्पी बनेंगे एक बूंद भी ऑयल अब्सॉर्ब नहीं करेंगे। साथ ही आपको बताऊंगी एक चटकारेदार चटनी भी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट स्टाइल सुपर क्रिस्पी सुपर क्रंची मसाला वड़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है एक कप चना दाल। वजन से बोलूं तो लगभग 250 ग्राम के करीब मैंने ये चना दाल ली है। तो यहाँ पर हमें मसाला वड़ा बनाने के लिए चना दाल को लगभग 3-4 घंटे के लिए भिगोना होगा। तो यहाँ पर मैंने चना दाल को पहले ही भिगो कर रख दिया था। ये देखिए इस तरह से फूली फूली दाल हमारी तैयार हो गई। जब आप नाखून से इस तरह तोड़ें तो देखिए इजीली ये टूट रही है। इसका मतलब चना दाल बिल्कुल सॉफ्ट है मसाला वड़ा बनाने के लिए। तो यहाँ दाल का सारा पानी निकाल देंगे। सबसे जरूरी पॉइंट, दाल में पानी नहीं रहना चाहिए। अगर ये मिक्स पतला हो गया तो आपको शेप देना मुश्किल पड़ जाएगा और जो मसाला वड़ा है तेल अब्सॉर्ब कर लेंगे। अब हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और ग्राइंडिंग जार में अपनी चना दाल को इस तरह डालेंगे। मैं साउथ में ही रहती हूँ, यहाँ ये बहुत ही फेमस है। मन नहीं भरता है, बहुत टेस्टी बनते हैं और जो मैं आपको आज खास ट्रिक आगे बताऊंगी उससे तो आपके मसाला वड़ा इतने क्रिस्पी बनेंगे एक बूंद भी तेल अब्सॉर्ब नहीं करेंगे। इसमें से 4 चम्मच चना दाल देखिए इस तरह से आप अलग निकालिए, इसका यूज मैं आपको आगे बताऊंगी। साबुत इसी तरह निकाल लेंगे, बाकी सारी चना दाल को हम पीसेंगे। अब यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ 6-7 कली लहसुन की, अगर आप नहीं खाते हो तो स्किप कर दीजिए। साथ ही डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च, 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 सूखी वाली लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच जीरा और 1 छोटी चम्मच डाल रही हूँ सौंफ। यदि आप सौंफ नहीं लाइक करें तो आप स्किप कर सकते हैं, मैं वो ट्रेडिशनल ऑथेंटिक रेसिपी बता रही हूँ तो आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ। और 2 पिंच डाल रही हूँ हींग डाइजेशन के लिए। और अपने मसाला वड़ा को एकदम क्रिस्पी बनाने के लिए प्रॉपर बाइंडिंग आने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़ा चम्मच चावल का आटा। इसको डालने से जो मसाला वड़ा है ज्यादा कुरकुरे बनते हैं, ठंडे हो जाने के बाद भी कुरकुरे ही रहते हैं। अब आप कहेंगे पारुल अगर ये ना हो तो, अगर आपके पास चावल के आटे की सुविधा नहीं है तो यहाँ पर आप क्या करें, 1 बड़ा चम्मच डालिए बेसन और 1 बड़ा चम्मच डालिए सूजी। बस आपका काम बन जाएगा, एकदम बढ़िया कुरकुरे आपके वड़ा तैयार होंगे। साथ ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें करी पत्ता लगभग 2 बड़े चम्मच के करीब। अब सभी चीजों को बिल्कुल बढ़िया से दरदरा पीसेंगे, बहुत ज्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, कोर्स पीसना है। तो उसके लिए आप थोड़ा मिक्सी चलाइए, फिर थोड़ा रुकिए, चम्मच से एक बार घुमा लीजिए, फिर थोड़ा मिक्सी चलाइए। इससे आपको पानी नहीं डालना पड़ेगा और एकदम बढ़िया पेस्ट आपका तैयार हो जाएगा। अगर आपको लगे बहुत ही ज्यादा ड्राई है तब आप 1-2 चम्मच इसमें पानी डाल लें। ये देखिए एकदम बढ़िया, आप देख सकते हैं दरदरा सा हमारा मिक्स तैयार हो गया है, परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। इसी बात का आपको ख्याल रखना है। सारे मिक्स को हम एक बोल में निकाल लेंगे। अभी बारिश के मौसम में ऐसे गर्मा गर्म चीजें खाने का मन करता है ना चाय के साथ, तो अगर दाल आपने पहले थोड़ी भिगो दी है 2-3 घंटे पहले, अगर टाइम नहीं है तो गर्म पानी में भी भिगो सकते हैं 1/2-1.5 घंटे के लिए, तो भी काम बन जाएगा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़े साइज की प्याज जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया था। साथ ही डालेंगे बारीक कटा हुआ खूब सारा हरा धनिया। साथ ही इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला और 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। बाकी इसमें आपको कुछ भी नहीं डालना है। और हाँ, जो हमने दाल निकाली थी ना साबुत वाली चना दाल, उसको यहाँ पर डाल देंगे। आपने देखा होगा कि जो ऑथेंटिक वाले मतलब जो साउथ इंडियन स्टाइल मसाला वड़ा होते हैं उसमें ऊपर चना दाल दिखती है। उसका यही रीजन होता है कि थोड़ी दाल को साबुत निकाल लिया जाता है और बाद में मिक्स में मिला देते हैं। इससे क्या होता है कि जो दिखने में तो सुंदर बनते ही है, साथ के साथ जब आप वड़ा खाते हैं तो वो क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। मतलब दाल मुंह में आती है ना, मजा आ जाता है। ऐसा नहीं कि कच्ची रह जाती है, वो पूरी कुरकुरी सिक जाती है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच गरम तेल। मैंने कढ़ाई में पहले ही तेल को गरम होने रख दिया था, उसी में से 1 बड़ा चम्मच गरम तेल यहाँ डाल देंगे। इससे क्या होगा, बड़ा ज्यादा हमारे क्रिस्पी भी तो बनेंगे ही, तेल नहीं अब्सॉर्ब करेंगे। अच्छे से करेंगे सभी चीजों को मिक्स। प्याज में भी अपना थोड़ा पानी होता है तो पहले आप अच्छे से मिक्स कर ले, बिल्कुल भी पानी एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि मिक्स थोड़ा पतला हो गया है तो आप यहाँ पर थोड़ी सी सूजी या फिर थोड़ा सा चावल का आटा और ऐड कर सकते हैं। या आपको लगे बहुत ज्यादा थिक है तो कुछ पानी की छींटे लगा करके कंसिस्टेंसी को बैलेंस कर लें। अब हाथों को हल्का सा चिकना कीजिए और अब हम लेंगे थोड़ा सा मिक्स 1 नींबू के साइज के बराबर का, ऐसे बॉल बनाएंगे और हथेली के बीच में हल्का हल्का सा दबाते हुए इसकी टिक्की जैसे बना लेंगे, जैसे पैटी बनाते हैं ना, बस वैसे ही। अच्छा, अब यहाँ देखिए बहुत ज्यादा चारों तरफ से आपको एकदम इसको मोटा मोटा या बिल्कुल चिकना स्मूथ नहीं बनाना है, ऐसा दरदरा सा रहना चाहिए। इससे ये सिकते हैं ना जब ऑयल में, तो अंदर तक कुरकुरे बनते हैं।
तो बिल्कुल फ्लैट शेप देने की, कटलेट जैसा बनाने की जरूरत नहीं है। ये इसी तरह बनाए जाते हैं, ना बहुत ज्यादा मोटे ना बहुत ज्यादा पतले, बिल्कुल इस तरह। मैं एक और आपको बनाकर दिखाती हूँ। बस मिक्स लेंगे, इस तरह बॉल बनाएंगे, हथेली के बीच में हल्का सा दबाएंगे और चारों तरफ से थोड़ा सा एक सार कर लेंगे। देखिए ऐसे लग रहे हैं ना, एकदम बढ़िया। तो सभी को फटाफट से तैयार कर लेंगे। लीजिए सारे ही मसाला बड़ा बिल्कुल तैयार है। अब हमें मसाला बड़ा को करना होगा फ्राई, तो उसके लिए तेल को मैंने पहले ही गर्म होने रख दिया था। जब आप डालें मसाला बड़ा उस टाइम पर तेल सही गर्म होना चाहिए, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं, बहुत ज्यादा हाई नहीं। एक छोटा टुकड़ा मिक्स का डालकर देखेंगे और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बबल आ रहे हैं। तो इस स्टेज पर हम धीरे धीरे करके अपने सारे ही बड़े डालते जाएंगे। बस इसी तरह से अभी हम अपने सारे बड़ा को फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। अभी बिल्कुल टच नहीं करेंगे, 2 मिनट इसी तरह सिकने देंगे। और बस 2 मिनट बाद जब ये लगे कि हल्के हल्के से फर्म हो गए हैं, बबल्स तेल में कम हो गए हैं, बस चम्मच से इस तरह पलट देंगे और दोनों साइड से उलटते पुलटते इसको बिल्कुल बढ़िया गोल्डन क्रिस्पी करारा फ्राई करेंगे। ये लीजिए हमारे सारे मसाला बड़ा फ्राई होकर के हैं बिल्कुल तैयार। और आप देख सकते हैं इसका प्यारा सा क्रिस्पी क्रंची वाला टेक्सचर और कलर, बने ना बढ़िया, बहुत अच्छे बनेंगे आपके भी। तो बस इस स्टेज पर सभी को निकाल लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी ऑयल अब्सॉर्ब नहीं किया है, देखने से ही टेक्सचर पता चल रहा है सुपर क्रिस्पी वाला आया है। एक आपको टिश्यू पेपर पर रखकर दिखाती हूँ कि देखिए बिल्कुल भी ऑयल अब्सॉर्ब नहीं किया, यही खास बात होगी हमारे मसाला वड़ा की। ये देखिए मैंने अच्छे से आपके सामने प्रेस किया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ऑयल नहीं है मसाला वड़ा में, सुपर क्रिस्पी बनते हो। ये देखिए इसका क्रिस्प, आपने सुना, बने ना जबरदस्त कुरकुरे करारे। और ये देखिए अंदर से सॉफ्ट ऊपर से कुरकुरे करारे, परफेक्ट क्रंची मसाला वड़ा है बिल्कुल तैयार। और सेकंड बैच के मसाला वड़ा भी इसी तरह से फ्राई करेंगे। चलिए तो मसाला वड़ा तो हो रहे हैं तैयार, फटाफट बनाते हैं एक चटकारेदार चटनी मसाला वड़ा के स्वाद को और भी बढ़ाने के लिए। तो यहाँ हम सबसे पहले लेंगे एक ग्राइंडिंग जार। ग्राइंडिंग जार में डालेंगे लगभग 3/4 कप के करीब फ्रेश नारियल, थोड़ा सा हरा धनिया बस मुट्ठी भर, साथ में डालेंगे ज्यादा मात्रा में पुदीना, साथ में डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने ग्रेट कर लिया था, 3 बड़ा चम्मच के करीब डाल देंगे रोस्टेड फुटाना दाना, 1/4 छोटी चम्मच हींग, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटी चम्मच इमली का पेस्ट, थोड़ा सा गया पानी लगभग 2 से 3 चम्मच और बढ़िया से इसको पीस लेंगे। और ये देखिए चटनी का टेक्सचर, फटाफट लगाते हैं इस पर तड़का। तड़के के लिए गैस पर चढ़ाएंगे एक तड़का पैन, उसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी और घी के गर्म होते ही इसमें जाएगी 1 छोटी चम्मच सरसों, 1 छोटी चम्मच उड़द दाल, साथ ही में जाएगी थोड़ी सी फ्रेश करी पत्ता यानी मीठा नीम। लीजिए तड़का भी तैयार है, फटाफट से इस तड़के को लगाएंगे चटनी पर। तो लीजिए चटनी भी हमारी तैयार है, फटाफट करते हैं मसाला वड़ा को सर्व। ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारे बारिश के मौसम को एंजॉय करने के लिए गर्मा गर्म कुरकुरे करारे क्रिस्पी स्ट्रीट स्टाइल मसाला वड़ा, जिसको मैंने यहाँ सर्व किया है चटनी के साथ, साथ के साथ फ्राइड मिर्च के साथ। ये देखिए इसमें आपको तोड़कर दिखा रही हूँ, ऊपर से क्रिस्पी क्रंची और अंदर से हल्के से सॉफ्ट, और तेल तो बिल्कुल अब्सॉर्ब नहीं किया है। ऐसे साउथ इंडिया में ना ऐसे कागज की प्लेट में मसाला वड़ा रख के चटनी के साथ और मिर्च रख के ऐसे दिए जाते हैं तो मजा आ जाता है। आप जरूर बनाकर ऐसे ही सर्व कीजिएगा घर वालों को, मतलब बारिश का मजा भी दुगना हो जाएगा आपका। और इसी तरह से मैंने आपके साथ बारिश को एंजॉय करने के लिए बहुत तरीके के पकौड़े वड़ा की रेसिपी शेयर की हुई है, वीडियोस के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप उन्हें भी जरूर ट्राई करें, वो आपको बेहद पसंद आएंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद जय भारत।